हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार महापुरुष को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ थोड़ा मोटा मोटा सा झाड़ू मॉर्निंग में, जैसा कि जो निकालती हैं सभी, पहले एक बार थोड़ा झाड़ू निकाल दो, बाकी अभी तो पोछा वगैरह लगना है, फिर निकलेगा एक बार। बस ये थोड़ा सा मिट्टी हो रखी थी फ्रेंड्स पैरों से, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मोटा मोटा सा निकाल दूँ मैं, फिर एक बार झाड़ू अच्छे से निकालूंगी जब पोछा लगाना है। और सुनाइए फ्रेंड्स, रात को सफाई हो जाए अंदर, पर पता नहीं कैसे मिट्टी आ जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। और हमारे तो बाहर भी पक्का है, जैसे बेड़ा होता है आपको पता ही है, और यहाँ आ गई मैं झाड़ू निकालने बाहर। इतने पत्ते आ जाते हैं यहाँ पर, पता ही नहीं लगता है फ्रेंड्स। चाहे जो मर्जी कर लो, आम खाने हैं, कुछ भी खाना, पेड़ लगाना, तो उसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि आम हम इतने नहीं खाते इस पेड़ के, पर ये है, ये छाया जरूर देता है फ्रेंड्स, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और फ्रेंड्स ये देखिए कितने पत्ते हो जाते हैं डेली के, ये देखिए जितना मर्जी झाड़ू लगा लो इतने पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसे लगता है कि झाड़ू नहीं लगाया। और ये कबाड़ वाले सुबह सुबह सड़क पे भी आप देख सकते हो। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी, मैंने इसकी तो क्या रेसिपी शेयर करनी है, सभी बनाते हैं अपने घर में, और बहुत बार मैंने अपने मोबाइल में बताया भी हुआ है, व्लॉग में सॉरी। तो बस मेरे को पीस मैगी पसंद है, ये मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, रमन नहीं खाएगा आज, उसका मूड नहीं है, रमन मूडी है आज। डियर फ्रेंड्स, सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा मौसम हो गया था, और अब धूप आ गई है बाहर बहुत, तो थोड़ा मौसम ऐसा हो गया है। और एक साइड मैंने रोटी रखी हुई है सेकने के लिए, वो एक्चुअली हस्बैंड आ गए थे दोपहर में ही घर, तो बस फिर वो अपना टिफिन वापस ले आए थे, तो मैंने कहा मुझे गर्म करके दे दो चपाती और सब्जी यही, तो बस उनकी गर्म कर रही हूँ मैं, और अपने लिए बना रही हूँ मैं मैगी। आज मैंने मॉर्निंग का कुछ नहीं खाया फ्रेंड्स, सुबह से मैं भूखी हुई हूँ, मैंने चाय दूध आज कुछ नहीं लिया, 1:30 बज चुका है। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए 1:30 ही फ्रेंड्स, 2 बज चुके हैं, और मैं 1:30 ही समझ रही हूँ, 2 बज चुके हैं फ्रेंड्स, और बाहर बहुत धूप है। सुबह मौसम बड़ा औसम था और अब धूप हो गया, और देखो फ्रेंड्स मैंने कहा था ना झाड़ू लगाएगा कोई फ़ायदा नहीं होता है, और आप देख सकते हो कैसे पत्ते पत्ते हो गए दोबारा से, कोई कहेगा झाड़ू लगा था, और अब मैं शाम को लगाऊंगी, अभी तो नहीं। और बस यहाँ पर मैगी हो गई है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं देखती हूँ गैस बंद, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ हूँ मैं किचन में, और मैं बना रही हूँ मटर आलू की सब्जी, और यहाँ मेरा तेल है जो वो गर्म हो चुका है, उसमें मैं डालूंगी हींग, जीरा मैं नहीं डालूंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पर रमन आया है नहाकर, और इसके ग्राउंड में कुछ ना कुछ लग जाता है, तो मुझे दिखा रहा है मेरी लात पे, देखना कुछ लगा था नहीं, मच्छर तो निकाट लिया है फ्रेंड्स, ये नहाकर आया है, और अभी देख लो इसके बाल कैसे बिखरे पड़े हैं, और अभी अपने बाल सेट करने लग गया, बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ये जाओ अपने कमरे में बैठ रहा। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे तड़का, तो हींग मेरी हो चुकी है, यहाँ मैं डाल दूंगी ये टमाटर प्याज हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, बोतल भर कर तो रखनी है ना, फिर और कौन रखेगा हमारे घर में, कोई बाहर से आएगा रखने के लिए, अगर हम पी रहे हैं तो हम ही रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ रमन को मैं पानी की बोतल के लिए भर रही हूँ, वो कह रहा है बाद में रख दूंगा, तो मैं उसको बोल रही हूँ बाद में क्यों, जब हम अभी पी रहे हैं तो अभी हम ही रखेंगे, और कौन रखेगा बाहर, तो फिर वो कह रहा है ठीक है मम्मा मैं रख देता हूँ, तो बस मैं उसे कह रही थी आपको बीच में आवाज़ यही आ रही है पानी की बोतल के बारे में। और ये मैंने मटर आलू, मटर फ्रिज में रखे हुए हैं फ्रेंड्स, ये विंटर के ही है जो मैं निकाल कर यूज़ कर रही हूँ, दोबारा विंटर आने वाला है, और ये बर्फ़ देखो इनमें कैसे हो रखी है,
और इतनी स्वेटिंग हो रही है, गर्मी में इतनी स्वेटिंग हो रही है, दिल कर रहा है बस। कई बार ऐसे हो जाता है हवा भी नहीं चलती है, घूम सा जाता है फ्रेंड्स, ना कोई पत्ता हिलता है ना कुछ। और ये मैंने फ्रेंड्स नमक मिर्च हल्दी है इसमें और कुछ नहीं है डालकर रखा हुआ है। और फ्रेंड्स तड़का लगाते लगाते मैं बाहर को आ गई थी आपको दिखाने के लिए, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है। और ये बाहर देख सकते हो आप 7:15 का टाइम है फ्रेंड्स, और अंधेरा हो रखा है, कितना विंटर आने लगा है, तो स्टार्टिंग हो ही जाएगी कुछ दिनों में, तो टाइम का भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। और बाकी लाइटें गली की आपको दिख ही रही हैं, कोई पत्ता नहीं हिला, बिल्कुल गुम सा हुआ हुआ है फ्रेंड्स, जिसके करके बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई एकदम से। और बाकी मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखाती हूँ, मैं बाहर आई थी देखने थोड़ा वो करने के लिए कि जब तक तड़का भून रहा है तो मैं थोड़ा बाहर चलती हूँ। और जो ये आपको लाइट दिख रही है ये यहाँ पर मंदिर है तो वो लाइट जग रही है उसकी फ्रेंड्स, और तो वो कितनी रोशनी तेज है। और रमन भी मेरे साथ ही आ गया था, और ये देखिए कोई भी पत्ता तक नहीं हिल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बिल्कुल गुम सा हो गया है एकदम से। तो चलो मैं अंदर ही चलती क्योंकि तड़का भी मेरा भून रहा था, तो मैं बाहर को आ गई थी थोड़ा सा कि थोड़ा वो हो जाएगा रिलैक्स सा, रिलैक्स का थोड़ा बाहर आ गई थी क्योंकि पंखा चल रहा था आगे को तो हवा सी लग जाती है थोड़ी, तो मैं आगे तड़का लगाते लगाते ऐसे कर लेती हूँ अंदर बाहर, तो बस फिर मैं बाहर आ गई थी। और यहाँ पर ये रमन खोल के खड़ा है, खोल के क्या दिखा रहा है, गुलाब जामुन का डिब्बा है फ्रेंड्स। मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ था तो पार्टी मैंने हस्बैंड को बोला था कोई नहीं बाद में हम करेंगे जब पूरा प्रोसीजर हो जाएगा, तो फिर वो गुलाब जामुन का डिब्बा ले आए थे, तो रमन वही दिखा रहा है आपको फ्रेंड्स जो ख़त्म हो चुकी है, 2-3 पीस ही है। और फिर मैं आ गई थी किचन में, आप देख लूँगी मैंने टमाटर प्याज लहसुन वगैरह कट्टे डाल दिए, मैं डाल देती हूँ फ्रेंड्स, ऐसे भी सब्जी में टेस्टी बनती है अगर अच्छे से भुना हो तो, सारी चीज़ें टेस्टी ही बनती है। और आप भी फ्रेंड्स खा लीजिए गुलाब जामुन, मेरी खाई हुई है बट ये फ्रेंड्स तो जूठा खा सकते हैं ना, और जो नहीं खा सकते उनके लिए सॉरी। और फ्रेंड्स आटा मेरा गूंदा हुआ है, और टाइम मैंने आपको बताया भी 7:15 हो रहा है, तो मैं एक से रोटी बना लूँगी, एक से तड़का हो जाएगा, तड़का अच्छे से हो जाए, किसी भी सब्जी में तड़के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने प्याज टमाटर लहसुन और हरी मिर्च इकट्ठे ही पीसा, मैं ऐसे भी डाल लेती हूँ, बस ये ध्यान रखें कि मसाला आपका अच्छे से भुने, बस मसाले का रोल होता है। और मैं अपनी हर वीडियो में तकरीबन ये बोलती हूँ, मैं आटा फ्रिज में से निकाल के बाहर रखती हूँ। और फ्रेंड्स मैंने कुकर इस साइड स्विच कर दिया है क्योंकि मसाला हो रहा है, और इस साइड मैंने रख दिया तवा, मैं यहाँ इस पे चपाती उतारनी शुरू कर दूँगी साथ साथ में, क्योंकि मटर आलू है जल्दी ही बन जाएंगे, और गर्मी है तो हम इसी में साथ साथ में काम करेंगे, और जो कि लड़की इससे हमेशा करती है, तो ठीक है मैं साथ में रोटी भी बनाती हूँ। और ये चपाती हो रही है फ्रेंड्स, उधर तड़का भी होने वाला है, तो क्या लगभग खड़ा तो आप कैसे लग रहा है, इसमें मैं डाल दूंगी मसाला। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी फ्रेंड्स में, मसाला हो जाता है हरी मिर्च फ्रेंड्स मसाले में पीसो तो फिर वो लगती ही है गले में, तो बस मैंने इधर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हो जाए, और फिर मैं डालूंगी इसमें मटर आलू, और इससे मेरी चपाती भी हो रही है फुली फुली चपाती। कईयों को लगता है शायद मेरी रोटी कच्ची है, कच्ची नहीं फ्रेंड्स, कुछ लोग रोटी फूलने पर उतार लेते हैं, कुछ रड़ी रड़ी खाती हैं, तो हमारे रड़ी ही खाती हैं, तो ये देखिए कच्ची नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ मटर आलू मैंने डाल दिए हैं, अब मैं डाल दूंगी पानी, और तो मिलती हूँ आपसे 2-3 सीटियों के बाद, ठीक है फ्रेंड्स जब सब्जी बन जाएगी तब मैं आपसे मिलती हूँ।
और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी सब्जी बन चुकी है, आप देख सकते हो थोड़ी तरी है। मैं इसमें आलू मैश करूँगी क्योंकि हमारे ज़्यादा पति नहीं खाते हैं, बट मैंने रखी क्योंकि रमन को आलू मटर में से तरी तरी ही चाहिए होती है, फिर वो बिल्कुल भी सब्ज़ी ज़्यादा सूखी हो जाती है। और बस मैं इसमें आलू थोड़े मैश कर दूँगी। हमारे आदत है फ्रेंड्स सब्ज़ी में आलू मैश कर देते हैं, हम ज़्यादा पतली नहीं पसंद करते हैं, रमन की वजह से ही रखते हैं कि उसको तरी तरी दे दें क्योंकि वो आलू मटर नहीं खाएगा अगर उसको मिल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लग चुकी है हमारी अम्मी सी प्लेट। ये दही है, मेरे को आपको पतला दिख रहा होगा, मैंने थोड़ा दूध डाला है, खट्टा था तो मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा डाला है कि गला ना खराब हो, बस दिल कर रहा था फ्रेंड्स खाने का, सब्जी थोड़ी करारी हो गई है इसलिए। तो ठीक है फ्रेंड्स मैं खाती हूँ खाना, ये दो चपाती है और ये सब्जी है ये देखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे मैं ऐसे आलू मैश कर रही हूँ, हम सभी को आदत है फ्रेंड्स सब्जी में, और किस किस को ये आदत है बताना आलू ऐसे मैश करने की। तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो का मैं यही एंड पे करती हूँ, नमस्कार सत श्रीकाल आदाब और मेरे प्यार मैं आपको प्यार भरी धन निरंकार, हंसते रहो हंसते रहो सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो क्योंकि घर में बुजुर्ग है तो रौनक है। तो ठीक है जी धन निरंकार।